सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल। दोस्तों, मैंने एक मिरर में सेल्फी ली थी और मिरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी था, तो मैं उसको किसी और एप्लीकेशन में इसको साफ़ नहीं कर पा रहा था। इवन मैंने रिमेनिंग एप्लीकेशन भी ट्राई किया बट वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैंने एक नया तरीका निकाला फोटो एडिटर एप्लीकेशन में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप फ़ोन को रोटेट कर लें ताकि आप अच्छे से एडिट कर पाएंगे। तो अब देखिए, ये रहा हमारा फ़ोन का स्क्रीन, जहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए, ये फोटो एडिटर एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप गैलरी में जाइए और जो भी फ़ोटो आपको क्लियर करना है यहाँ से चूज़ कर लीजिए। तो मैंने ये फ़ोटो चूज़ कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो सेल्फी है, जहाँ पर मिरर काफ़ी ज़्यादा गंदा है और इसकी वजह से फ़ोटो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम है क्लोन टूल। क्लोन हमने पिक्सार्ट में भी देखा है, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हार्डनेस पूरा ज़ीरो रखना है, साइज़ आप अपने हिसाब से रखिए और ओपेसिटी फुल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, ये जो हिस्सा है इसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और ये है ब्रश जिसे आप क्लोन करेंगे, और यहाँ पर है अंडू। अब अगर आपको जूम करने में अगर दिक्कत आ रही है, ओके, तो यहाँ पर जूमिंग के लिए यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है ऊपर में सबसे, यहाँ पर जाइए, एडिट में जाइए और देखिए यहाँ पर 4000% तक का जूमिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जूम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जूम हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक गोल सर्कल देख रहे हैं, गोल सर्कल का मतलब है वो वाला हिस्सा कॉपी होगा जहाँ पर भी आप रखेंगे, और जो पेंट ब्रश है जहाँ पर भी आप पेंट का ब्रश चलाएंगे वो हिस्सा जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो देखिए, मैं अलग अलग हिस्सों से इसको कॉपी कर रहा हूँ और कुछ इस तरह से इसको क्लोन कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये काफ़ी अच्छा हो गया, राइट। यानी कि आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये कितना यूज़फुल चीज़ है। अब मैं इसको यहाँ पर भी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको बेसिक दिखा दिया कि इसको कैसे करते हैं। अगर मैं सारे फोटो, मतलब जितनी जगह हैं उन सारे जगहों को करने जाऊँगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोरियत फील होने लगेगी, क्योंकि एडिटिंग एक वक्त पर बोर हो जाते हैं लोग अगर एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट करके दिखाओगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, जिससे आपको देखने और समझने में भी ईजी होएगा। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए स्लो डाउन ज़रूर करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहा हूँ, ये मिरर वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से क्लीन हो गया है, ओके। अब हमें थोड़ा सा फ़ोटो को इन्हेंस करना है। इन्हेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने तो इसको ठीक कर लिया है, ओके। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा इफ़ेक्ट पड़ा है यहाँ पर, मैंने एक एक जगह को चुन चुन कर यहाँ पर किया है। अब आपको यहाँ पर आ जाना है, देखिए ड्रॉ टूल का एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो जूम इन जूम आउट वाला एक ऑप्शन मिल रहा है आपको। साथ ही आप देखिए, ये कलर का ऑप्शन है जहाँ पर ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सीजर है, यानी लेजर टूल का तरह काम करता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एक और अदर ऑप्शन है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। और ये रहा हमारे इरेजर, ये हार्डनेस का जो हिस्सा है जहाँ पर आप साइज और हार्डनेस के साथ ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कलर पिकर लेना है और यहाँ से ब्लैक कलर को चूज़ करेंगे हम लोग, हमारा बियर्ड का कलर। हमें बियर्ड को इतना थोड़ा सा और अच्छा करना है। यहाँ पर मैंने ओपेसिटी को कम रखी है। इसके बाद देखिए, हार्डनेस कम है, साइज़ बड़ा है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं हल्के हल्के करके पेंट कर रहा हूँ। ज़्यादा पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रा ही सा ही पेंट कीजिए, वरना थोड़ा सा फेक लगेगा बियर्ड, ओके। तो मैं बियर्ड में जो जो हिस्सा, क्योंकि सारे मेरे चेहरे पे हर जगह पे प्रॉपर तरीके से बाल नहीं आते हैं, ओके, तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, तो उन सारे एरिया को मैं भर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इरेजर ले लेता हूँ। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा शेप में लेकर आते हैं। तो मैं अपनी मूछों को अच्छे से शेप में ले आता हूँ। तो देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको अंडू करता हूँ। अब ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और शार्प चाहिए, तो हमें हार्डनेस यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ और कुछ इस तरह से, ये जो हमारा आयरन मैन है, कुछ उस तरह का बियर्ड मेरा थोड़ा बहुत होता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये वाला पोर्शन भी इरेज कर लेते हैं यहाँ से चेहरे के पास से, तो ये भी काफ़ी मस्त लग रहा है, ओके। लेकिन देखिए, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हार्डनेस कम करना है और साइज़ बड़ा करके नीचे से हल्का हल्का एक या दो बार टैप कर देना है, जिससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा।
अब एक काम करता हूँ, मेरी आईब्रोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं, तो इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा और शेप में कर लेता हूँ। ओके, यानी कि पूरा का पूरा मेकअप जो है हम लोग यहाँ फोटो एडिटर एप्लीकेशन में कर रहे हैं। बट ये एक्चुअली ये मैं नहीं करता हूँ यूजुअली, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपको ज़रूरत पड़े या आप अगर किसी लड़की की फ़ोटो एडिट कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका काम आप बहुत आराम से कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को भी यहाँ पर आपको दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा मस्त सा लुक आ जा रहा है। अब आँखों में इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है, तो इसके लिए क्या करना है, वाइट कलर में ले रहा हूँ और यहाँ पर ओपेसिटी को 120 कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, साइज़ जो है ये छोटा कर लेना है, और यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन में कर लिया। अब ब्लैक कलर ले लेता हूँ, साइड हिस्से में ऐड कर लेता हूँ, और अब यहाँ पर थोड़ा सा और ब्लैक ऐड कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि आंखों में रिफ्लेक्शन ऐड हो जाएगा। दूसरे पॉपल्स के लिए भी सेम काम करना है आप लोगों, यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर थोड़ा सा ले लेना है, फिर थोड़ा सा वाइट कलर। अगर आप चाहे तो आंखों का कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो इसमें आप रिफ्लेक्शन डाल रहे हैं वाइट कलर का ही हो। ओके, क्योंकि बैकग्राउंड से हमारे वाइट कलर का जो लाइट है वो नज़र आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है, राइट। अब फेस में जो इन्हेंसमेंट इसे देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पड़ा है। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने तो कर लिया, अब यहाँ पर थोड़ा सा कलर चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, कर्व्स में जाएंगे। मैंने कर्व्स आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका डिटेल वीडियो मैंने दूसरे चैनल पे मैंने सिखाया है आपको, जफर ग्राफिक्स पे, ज़रूरत पड़े तो उसे ज़रूर देखें। ये हमारा वाइट वाला कर्व है, जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मिड टोन को बीच में रख के हाईलाइट्स को ऊपर किया था और शेडो को नीचे किया था, और यहाँ रेड वाला कर्व ले रहा हूँ जहाँ पर इसका जो हाईलाइट है उसको बढ़ाया था, और ग्रीन वाले में यहाँ पर शेडो को थोड़ा सा बढ़ाया है और मिड टोन को ऊपर किया है और थोड़ा सा ग्रीन नीचे किया है। तो अब देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा सा टोन वाला लुक आ चुका है, काफ़ी मस्त लग रहा है। यानी कि ये हमने इसमें रेड और ग्रीन का एक कॉम्बो वाला कलर ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ये एक्चुअली फिल्टर वाला लुक आ गया है, राइट। मतलब कलर, ये जो हमारा कलर ग्रेडिंग होता है लाइटरूम एप्लीकेशन में, उससे भी ज़्यादा काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ग्रेड हुआ है कलर को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी नेचुरल टोन मिल रही है चेहरे पर, और हमारा जो मिरर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका है। तो अब हमारी एडिटिंग यहाँ पर सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब लास्ट में हम लोग इसको क्रॉप कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। तो अब इस फोटो एडिटिंग को कर लेते हैं सेव, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।